नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट न्यूज इंडिया में। और बात कर रहे हैं आज एक ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, एक 22 वर्षीय महिला का कत्ल किया गया ब्लैक मैजिक के प्रैक्टिस में, और सिर्फ इसलिए कि बेटे को अपनी प्रेमिका से शादी नहीं करने दी जा रही थी। बता दें, इस घटना में मुंबई पुलिस की जो कामयाबी है उस पर जो है सराहना की जा रही। सिर्फ 12 घंटे के भीतर महिला के कत्ल के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उसके दो बेटे शामिल थे और एक लड़की शामिल थी। बता दें कि 25 वर्षीय बेटे ने अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर ब्लैक मैजिक के प्रैक्टिस के दौरान अपनी ही माँ का कत्ल कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये दिल दहला देने वाली घटना जो निकल कर आ रही मुंबई के वड़ाला इलाके से। जी हाँ, वड़ाला में ये घटना घटी है, जिसके बाद आसपास के इलाकों में जैसे एक सन्नाटा सा छा गया कि आखिरकार ये कैसे हो गया। बता दें, मरने वाले का नाम निर्मला विजय ठाकुर है, और जो उनका सन यानी उनका बेटा अक्षय विजय ठाकुर 25 साल और ही 15 ईयर ओल्ड ब्रदर 15 साल का एक मासूम बच्चा, वो भी उनका बेटा, और साथ में कोमल बॉयकर जिनकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में पता चला, उन्होंने कहा कि जब मां का मृत्यु हुआ था वो वड़ाला में नहीं थे, लोनावला में थे, लेकिन मोबाइल लोकेशन से ये बात साबित हुई। और उसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। तो मुंबई पुलिस को एक बार फिर से सैल्यूट है इतनी तेजी के साथ काम करने के लिए।